स्वागत है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आप कैटलॉग फाइल अपलोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पहले आइए संक्षेप में ये समझें कि कैटलॉग फाइल क्या है। एक कैटलॉग फाइल आपको फ्लिपकार्ट वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स या विवरण को आसानी से प्रदर्शित करने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए इसमें ब्रांड, कलर, इमेजेस और अन्य प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस जैसी जानकारी शामिल होती है। अब यदि आप कैटलॉग फाइल अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपने आगे दिए गए सारे चेक्स पहले कर लिए हैं। कैटलॉग फाइल में भरी गई जानकारी को वैलिडेट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग करके फास्ट वैलिडेट करें और उन्हें अपलोड करने से पहले फास्ट वैलिडेट के परिणामों के अनुसार देखी गई किसी भी त्रुटि को ठीक करें। कृपया ध्यान दें, फास्ट वैलिडेट करते समय विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। डाउनलोड किए गए कैटलॉग फाइल का नाम न बदलें न मॉडिफाई करें। केवल लेटेस्ट डाउनलोड की गई कैटलॉग फाइल ही अपलोड करें। फाइल में कोई भी नई शीट न जोड़ें। एक्सेल फाइल या एक्सेल फाइल के भीतर मौजूद सेलों का फॉर्मेट ना बदलें या उसे मॉडिफाई ना करें। अलाउड वैल्यूज के अलावा किसी अन्य वैल्यू का उपयोग ना करें। सुनिश्चित करें कि कैटलॉग फाइल में नीले रंग में चिन्हित सभी अनिवार्य एट्रीब्यूट्स भरी हुई हैं। अब एक बार ये जांच हो जाने के बाद आप कैटलॉग फाइल अपलोड करने के लिए आगे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। अपने सेलर पोर्टल पर लॉगिन करें। लिस्टिंग टैब के अंतर्गत माय लिस्टिंग्स टैब पर क्लिक करें। अब अपलोड ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और कैटलॉग फाइल चुनें। अपने कंप्यूटर से एडिटेड कैटलॉग फाइल ब्राउज करें और चुनें। कृपया अपलोड करते समय फाइल का नाम ना बदलें। एक बार फाइल सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने पर विक्रेता को यह संदेश दिखाई देगा, अपलोड की गई कैटलॉग फाइल क्यूसी को भेजी जाएगी। कैटलॉग फाइल की क्यूसी स्थिति देखने के लिए लिस्टिंग पर जाकर एड न्यू लिस्टिंग टैब पर जाएं, यहां बल्क लिस्टिंग पर जाएं, फिर प्रोडक्ट एडिट रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और स्टेटस की जांच करने के लिए रिक्वेस्ट आईडी के साथ खोजें। प्रोडक्ट एडिट लिस्टिंग्स पेज पर सीधे जाने के लिए आप यहां भी क्लिक कर सकते हैं और कैटलॉग फाइल की क्यूसी स्थिति देख सकते हैं। उपरोक्त जांच किए जाने के बाद भी और यदि आपको कई प्रयासों के बाद भी कोई एरर आता है तो कृपया जल्दी समाधान के लिए एरर स्क्रीनशॉट के साथ सेलर सपोर्ट से संपर्क करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद और हैप्पी सेलिंग।